सनातन बंधु, दीपावली की रात्रि में तमाम सनातनी भाई बहन नाना प्रकार के मंत्रों और टोटकों की सिद्धि करते हैं, किंतु हमें मंत्र और टोटके की सिद्धि करते समय ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सदैव हम उन्हीं मंत्रों का आश्रय लें और टोटके सिद्ध करें जो कल्याणकारी हितकारी हों। किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किए गए टोटके और मंत्र सिद्ध तो हो जाते हैं, किंतु वह हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी के समस्त सुकृत नष्ट कर देते हैं। दुष्परिणाम से हमारी भावी पीढ़ी को और स्वयं हमें भी उसे भोगना पड़ता है। भगवती महालक्ष्मी सौम्यता और प्रेम की प्रतीक हैं। यह सदैव मानव का कल्याण ही करती हैं। इसलिए अमावस्या की यह रात्रि सदुपयोगी हो, कल्याणकारी हो, हितकारी हो, ऐसा प्रयास करते हुए हमें सनातन धर्म में वर्णित दिव्य अमोघ मंत्रों की सिद्धि और टोटकों का सिद्ध करना चाहिए। ऐसा कार्य न करें जो हमारे लोक परलोक को नष्ट कर दे और हमारे कर्मों का फल स्वयं के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़े।